आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम ऐसे चतुर्भुजों की रचना करना सीख चुके हैं जिनकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाइयां, तीन भुजाओं और दो विकर्णों की लंबाइयां, दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप दी गई हों। आज इस वीडियो में हम चौथी स्थिति, जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोणों की माप दी हों, में चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। क्या आप एक ऐसे चतुर्भुज HEAR की रचना कर सकते हैं जिसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर, RH बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण H 60 डिग्री तथा कोण E का मान 135 डिग्री दिए गए हों। आइए कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति का निर्माण करेंगे जो कि हमारी रचना के चरणों को निश्चित करने में हमारी सहायता करेगी। उस भुजा का चयन करें जिसके शीर्षों पर बनने वाले दोनों कोणों का माप आपको दिया गया है और उस लंबाई का एक रेखा खंड खींचें। क्योंकि यहां हमें कोण H और कोण E का मान ज्ञात है, इसलिए हम भुजा HE का चयन करते हुए लंबाई 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचेंगे और उसे HE नामांकित करेंगे। रेखाखंड पर स्थित दोनों बिंदुओं पर दिए गए मापों के अनुसार कोणों का निर्माण करें। अब हम HE पर स्थित बिंदु H तथा बिंदु E पर दिए गए कोणों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से बिंदु H पर 60 डिग्री माप का कोण EHX बनाएंगे। हमें बिंदु E पर 135 डिग्री का कोण बनाना है। दोस्तों, हम ये कोण कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं कि 135 डिग्री बराबर 90 डिग्री जमा 45 डिग्री होता है। हमें 90 डिग्री का कोण बनाना आता है। चलिए हम बिंदु E पर 90 डिग्री का कोण PEH बनाते हैं। रेखाखंड HE को बिंदु Q तक सीधे आगे बढ़ा हम देख सकते हैं कि कोण PEQ भी 90 डिग्री के बराबर है। हम कोण PEQ को समद्विभाजित करते हैं जिससे हमें कोण PEY 45 डिग्री के बराबर मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें 135 डिग्री का कोण कैसे प्राप्त होगा? बिल्कुल सही, कोण PEH जमा कोण PEY बराबर है 135 डिग्री के, जिससे हमें कोण HEY बराबर 135 डिग्री मिलता है। अब प्रश्न में दिए गए भुजाओं के माप के अनुसार चाप लगाएं। ध्यान दीजिए, हमें यहां भुजा HE की दोनों संलग्न भुजाओं के माप दिए गए हैं। हमें EA बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अब हम बिंदु E से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर EY पर एक चाप खींचेंगे और यहां वो चाप EY को प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु को A नाम देंगे। हमें RH बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम H को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर HX पर
एक चाप खींचेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु को नाम देंगे R। बिंदु A और R को जोड़ने पर हमें एक अभीष्ट चतुर्भुज मिलेगा। इस तरह हमने दी गई जानकारी से चतुर्भुज HEAR की रचना की। आज इस वीडियो में हमने एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखा जिसकी तीन भुजाओं और उनके बीच के दो कोणों के हमें माप ज्ञात हों। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।